नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आज देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत तिगड़ी मंडल में मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधीवाल जी, जो देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण गरवा जी के बिल्कुल सटे हुए साइड में बैठे हुए हैं, मगर आज इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लक्ष्मी नारायण गरवा, जो कि तिगड़ी मंडल से लेके पूरी देवली विधानसभा कह लीजिए और पूरे दिल्ली स्तर में काफी कद्दावर चेहरे से आते हैं, और आज इन्होंने ओम प्रकाश लोधीवाल जी, और हम प्यार से इनको टिंकू भाई बोलते हैं, आज इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में केक आ चुका है और सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं किस प्रकार से इसको सेलिब्रेशन किया जाएगा। सर, शुरू कर सकते हैं आप लोग। पहले तो केक कटेगा जहाँ तक उम्मीद है, सखा संबंधी सौदर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इस शुभ अवसर पर, और नवरात्र के दिन खासकर आज नवमी है, इस दिन आज ओम प्रकाश लोधीवाल जी का जन्मदिवस एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है। और साथ साथ ये भी समझ सकते हैं कि नवरात्र के अवसर पर जो भी काम होता है वो शुभ माना जाता है, और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर शुभकामना देने के लिए लक्ष्मी नारायण गरवा जी उनके कार्यालय पर आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज ये केक कटिंग सेरेमनी, साथ साथ इनको बधाई भी दी जाएगी। आप ये देख सकते हैं, तो देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे के साथ केक भी खिला दिया गया। बार बार दिए क्या बात है, ताली बजा दीजिए जोरदार सभी एक बार। तो केक के साथ साथ जोरदार तालियों के साथ साथ अभी देखेंगे सम्मान की कड़ी में अगर अंग वस्त्र की बात करें तो जय माता दी, माता जी के नाम पर ये जो अंग वस्त्र पहना कर इनको शुभकामना दे रहे हैं, और साथ जय। तो आज ओम प्रकाश लोधीवाल जी तिगड़ी मंडल से मंडल अध्यक्ष हैं, और नवरात्र के दिन आज इनको लक्ष्मी नारायण गरवा जी के द्वारा यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण गरवा जी से भी बात करेंगे, सभी से बात करेंगे। लक्ष्मी जी क्या कुछ कहेंगे, छोटे भाई भी हैं और भाजपा से बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं ओम प्रकाश जी, आज आप अपने कार्यालय पर बुलाए हैं, आज बड़े भाई की ओर से एक हाथ भी रख रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, क्या कुछ बोलेंगे इनको? पहले तो हमारे मंडलाध्यक्ष भाई मेरे अनुज छोटे ओम प्रकाश लोधीवाल, वार्ड नंबर 162 तिगड़ी देवली विधानसभा का जन्मदिन है, पहले तो हम जोरदार तालियों से भाई का स्वागत करेंगे, और उसके बाद शुभकामनाओं के साथ मैं भाई की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु आयु के लिए, और अन धन धाम से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं, और भाई आगे तरक्की करे, आगे से आगे बढ़े। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ओम प्रकाश जी से बात करेंगे, ओम प्रकाश जी लक्ष्मी नारायण गरवा जी काफी सीनियर है और आपको बड़े भाई की तरह आशीर्वाद भी देते हैं, क्या कहेंगे इनकी राजनीतिक कैरियर में जिस प्रकार से ये आगे बढ़ते हैं, सभी को प्यार मोहब्बत देते हैं, सम्मान करते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यालय पर बुला करके सम्मान करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? ये हमारे बड़े भाई लक्ष्मी नारायण गरवा जी टाइम टाइम पे लोगों की मदद करते हैं, कभी सिलेंडर बंटवाते हैं, चूल्हे बंटवाते हैं, कभी मेडिकल कैंप लगवाते हैं, लोगों की पेंशन बनवाते हैं, जहाँ कोरोना काल में लोग बाग सो रहे थे और ये जाग कर रात दिन एक कर कर खाना वितरण कर रहे थे, लोगों को मेडिसिन दे रहे थे, मास्क बांट रहे थे, सैनिटाइजर बांट रहे थे, ऐसे हमारे बड़े भाई हमेशा एक्टिव रहने वाले लक्ष्मी नारायण गरवा जी हमेशा सबके दिलों में छाए हुए तिगड़ी बाढ़ में। मैं चाहता हूँ कि ऐसे भाई हमेशा बने रहे और आगे तरक्की करते रहे,
और एक बड़ा सवाल है, आप मंडल अध्यक्ष हैं, अभी चुनाव काफी नजदीक है और सीनियरिटी की बात करें और इनकी लॉबी की बात करें, जहां तक हमारी पत्रकारिता की वो है, मुहिम है, हम पता करते हैं, सर्वे भी करते हैं, लक्ष्मी नारायण गरवा जी को कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में एक विधायक की उम्मीदवारी की और देखी जा रही है और इनका नाम भी आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे अगर सही कैंडिडेट साबित हो सकते हैं? बिल्कुल सही हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जब जो लोगों की मदद करते हैं वो ऑटोमेटिक सही है, इससे अच्छा हो भी नहीं सकता। मैं तो चाहता हूँ ऐसे कैंडिडेट होना चाहिए जो लोगों की मदद कर सके और लोगों के लिए भला कर सके। बहुत बढ़िया, ओम प्रकाश जी के लिए क्या कुछ कहेंगे आज इनके जवान जी? उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि जैसे कि लक्ष्मी नारायण गरवा जी जब भी अगर MLA की सीट पे आते हैं तो पूरे हम जोर शोर से उनको जिताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी का जन्म। पहले तो मैं अपने बड़े भाई ओम प्रकाश लोधीवाल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और दूसरे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे जो क्षेत्र के जो मतलब जो जमीन से जुड़े हुए हैं नेता, श्री लक्ष्मी नारायण गरवा जी, और ये जो अपने कामों के लिए ही जाने जाते हैं सारे सब ना, चाहे कोरोना काल हो चाहे कैसे भी, चाहे गरीबों की मदद हो चाहे कुछ भी हो, वो अपने आप ही मतलब स्वतः ही करना चाहते हैं, और ऐसे ही हमारे कैंडिडेट होना चाहिए जो मतलब अगर आगामी जो हमारे वोट। बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण गरवा जी का यहाँ पर काम बोल रहा है, लोग जितने जुड़े हुए हैं आप सभी लोग देख सकते हैं, तिगड़ी मंडल की बात करें चाहे पूरे देवली विधानसभा की बात करें, बहुत भिन्न भिन्न परिस्थितियां आई है इस कुछ 3-4 साल में कोरोना काल को मिला करके, इस बीच में इनके इनके तरफ से जो योगदान है समाज की और वो सराहनीय है, और इसी कड़ी में ही और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे लक्ष्मी जी के लिए और लोधीवाल जी के आप जन्मदिवस में आप लोग सम्मिलित हुए हैं, क्या बोलना रहेगा? जी जो भी काम करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, जो वार्ड हमारा आज जीत रहे हैं हम उन्हीं की वजह से जीत रहे हैं। लोधीवाल जी के लिए क्या कुछ सब उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी के भी जुझारू नेता है और बहुत सक्रिय है पार्टी के लिए, तो और गरवा साहब भी बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है, पार्टी से भी है जुड़े हुए, पार्टी जिसको भी टिकट देगी गरवा साहब हो कोई भी हो उम्मीदवार पार्टी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी देखिए अनाउंसमेंट तो नहीं करती है, मगर सीनियर और खासकर कद्दावर चेहरा होने के नाते अनुसूचित जाति मोर्चा से आते हैं, और यहाँ पर देवली विधानसभा जो है अनुसूचित जाति मोर्चा से टिकट यहाँ पर आवंटित है पहले से, तो इसीलिए ये सवाल जरूरी हो जाता है, मगर आज एक अवसर दूसरा है, और आप क्या नाम हुआ सर लोधीवाल जी के जन्मदिवस? पहले मेरा नाम राजेंद्र, जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामना, लोधीवाल मेरे बड़े भाई हैं, और मैं यही कहूंगा कि उनको हजारों साल जिए और लाखों बधाइयां मिले, बस बहुत अच्छा। और भी लोग हैं, इन लोगों से भी थोड़ा सा बात करते हैं, लोधीवाल जी के जन्मदिवस में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं ओम प्रकाश जी लोधीवाल जी को आज के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और वो एक जुझारू नेता है भारतीय जनता पार्टी के, लगभग 1.5 साल से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो मतलब अभी तक मतलब इतने वार्ड हम नहीं जीते थे जो इनकी अध्यक्षता में हमने इतने वार्ड जीते हैं, हाँ इनके काम को देखते हुए हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं आपकी जनता की आवाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप इसको लाइव चला रहे हैं, जो सभी लोग देख रहे हैं इसको, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इनकी अध्यक्षता में हम जो काम कर रहे हैं, जो हमें सीखने को मिल रहा है, ऐसा ही आगे सीखने को मिलता रहे, ठीक है? और हम चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ही हमारे गरवा जी हैं, मंडल जी हैं, अध्यक्ष साहब हैं, सभी ऐसे ही कार्य करते रहे तो इस सीट पे हम जरूर जीतेंगे। क्या बात है, यानी कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित इस बार करने की एक उम्मीद है, बोलेंगे हम? जी अंकल जी क्या नाम है? हमारा नाम है आर पी यादव, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो सर मैं जो है इनके जन्मदिन, लक्ष्मी नारायण जी के जन्मदिन पे आया हूँ, बहुत मेरे को अच्छा लगा, मैं इनको हार्दिक समर्पण करता है, और ये बहुत जुझारू नेता है, बहुत काम करने वाले बंदे हैं, इसलिए मैं इनसे जुड़ा हुआ, और आने वाले फ्यूचर में जो है ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे, और ये गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा, बहुत अच्छे कार्य करेंगे।
तो और भी लोग हैं और सभी लोग आए हुए हैं और इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश लोधी है। क्या संदेश? मेरा ये संदेश है कि हमारे ओम प्रकाश जी लोधी जारवा और क्या कहते हैं लक्ष्मी नारायण गरबा, ये बहुत बहुत अच्छे बंदे हैं और बहुत जुझारू से काम में लगे पड़े हैं। इस तरीका से हम सारे लोग लगे पड़े तो बीजेपी की सरकार बन गई। मनीष भाई हमारे, मनीष भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे आज लोधीवाल जी के जन्म दिवस में आए हैं लक्ष्मी नारायण गरबा जी के लिए? क्या बोलना चाहेंगे? ओम प्रकाश लोधीवाल जी जो तिकड़ी बाढ़ के अध्यक्ष हैं, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और लक्ष्मी नारायण गरबा जी सामाजिक तौर पे इतना काम करते हैं, मेडिकल चेकअप हो गया, आइस चेकअप हो गया, सिलेंडर हो गए, उज्ज्वला योजना के कम से कम 1000 सिलेंडर उन्होंने वितरण किए। तो ऐसे ही हमारे बड़े भाई हैं लक्ष्मी नारायण गरबा जी, और खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। लक्ष्मी जी जाते जाते आप दोनों से कंक्लूजन करना चाहूंगा, इस शुभ अवसर पर जिस प्रकार से अभी पूजा त्योहार का सीजन है, आज नवरात्र है, कल दशहरा है, क्या कुछ आप लास्टली पूरी विधानसभा को, पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं और मेरा परिवार, हम सभी मिलकर और ये मेरी जो टीम है, हमारे मंडल की टीम है, सभी मिलकर पूरी देवरी विधानसभा और पूरे भारत वर्ष को नव वर्ष की रामनवमी की और विजयदशमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जी लोधीवाल जी, आपके जन्म दिवस के उपलक्ष में हम चाहते हैं कि आप जनता को वो मैसेज दे जिस मैसेज को सुन के जनता भी आपको भरपूर आशीर्वाद दे, खासकर इस त्योहारों के सीजन में। जी मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो जनता दुख भोग रही है इस टाइम दिल्ली में, उस दिल्ली को जीतना, बीजेपी को जितवाना जनता का काम है। अगर वो सुख में रहना चाहती है तो केजरीवाल को हराकर और बीजेपी को लाए, जो कि यहाँ पानी की सुविधा हो, रोड पक्के हो और गंदगी साफ हो, शराब स्मैक बिकना बंद हो जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि जनता को ये सोचना चाहिए, फ्री के लालच में ना आए, खाली भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जितवाएं और अच्छा कैंडिडेट आएगा। मैं वादा करता हूँ कि हमारी तरफ से अच्छा नाम जाएगा और ऐसा जो बीच का होगा और तिकड़ी बाढ़ का होगा, खासतौर से ऐसा नाम भेजने वाले हैं हम हमारी तरफ से। और मेरी मनोकामना है और मैं जनता से अपील करता हूं कि जो हमारा कैंडिडेट आएगा वो आपके बीच का होगा, उसको वोट देकर उसको विजयी बनाए और फिर देखते हैं काम होता नहीं होता, आपको पता लगेगा कि हमारा विधायक क्या क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है, एक बार मौका देकर देखें। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और